एवरीवन, दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और यूपी टीजीटी पीजीटी के 27,000 नए पदों पर विज्ञापन को लेकर महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पहले ये एग्जाम अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना के चलते ये एग्जाम टल गया था और अब ये 17 अक्टूबर को होना है। इसी बीच जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में एक बड़ा संकट आता दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता होगा कि जूनियर एडेड में असिस्टेंट टीचर और प्रिंसिपल दोनों ही पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री में 50% अनिवार्य कर दिए गए थे, जबकि पहले ही आदेश आया था कि 50% से कम वाले भी जो अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म को भर पाएंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, जब बीएड करवाया है, सीटेट कराया है, यूपी टेट करवाया है, तो कोई मतलब नहीं है कि बैचलर डिग्री में 50% की अनिवार्यता मांगना, या तो फिर उनको बीएड भी नहीं करने दिया जाता। तो ऐसे में ये क्वेश कोर्ट में चला गया है, जिसमें यह बोला गया है कि कहीं ना कहीं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वॉयलेट करा गया। आर्टिकल 16 में इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन के बारे में बात करता है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, और इसी को लेकर ये केस जो है वो कोर्ट में जा चुका है। और अब इसकी सुनवाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 30/9/2021 को होनी है। और अब इस पर क्या फैसला आता है वो देखने को मिलेगा। अगर कुछ बदलाव होते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा में भी कुछ हेर फोर हो सकते हैं। हालांकि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, परीक्षा तो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा संकट इसमें आता दिखाई दे रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट सभी के लिए सामने निकल कर आ रही है। आपका क्या सोचना है इस बारे में, क्या ये 50% की अनिवार्यता हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी 27,000 नए पदों पर विज्ञापन को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी कई बार लगातार ये सवाल पूछते हैं कि मैम 27,000 नए पदों पर वैकेंसी कब आएगी, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसी सूचना चयन बोर्ड की तरफ से निकल कर आ रही है, वह ये निकल कर आ रही है कि सबसे पहले तो टीजीटी और पीजीटी की जो रिजल्ट है उनको अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है पूरी डिटेल मांगी जाएगी कि कितने पद जो है वो खाली है, मतलब जिलाध्यक्षों को ये लिस्ट भेजी जाएगी, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि शिक्षक और छात्र अनुपात के हिसाब से कितने पद एग्जैक्टली खाली हैं, और उसके बाद उसके लिए पूरी कमेटी बनाई जाएगी और उस पर जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा, और उसके बाद इस विज्ञापन को जारी किया जाएगा। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 27,000 पदों पर वैकेंसी अभी तुरंत निकली आ रही है, लेकिन ये निकलना निश्चय है, अभी थोड़ा वक्त लग सकता है, तब तक आप चाहें तो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके अलावा आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी अभी खड़ी है एलटी ग्रेड की वैकेंसी की, उसमें भी आपके टीजीटी और पीजीटी पर वैकेंसीज निकलेंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूंगी कि एलटी ग्रेड में बीएड कंपलसरी है। कल मैंने एक वीडियो में गलती से बोल दिया था कि पीजीटी वाले छात्र एलटी ग्रेड के लिए एलिजिबल है, लेकिन बीएड कंप्लीट होना जरूरी है, तो ये चीज आप मानकर चलिए कि एलटी ग्रेड में बिना बीएड के आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके सामने प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी है, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी के 27,000 नए पदों पर विज्ञापन जल्दी जारी नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नमस्कार।